हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी इस टाइम ना दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं ना आप लोगों को जैसे पूरी तैयार नज़र आ रही हूँ, तो मैं लेने जा रही हूँ नान लेने जा रही हूँ। और पहले भी 2 दिन मैं गई हूँ रोटी लेने के लिए, बकाले तक गई थी, तो वो छोटा चक्कर था 2 मिनट में वापस। तो अभी मैं नान लेने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। और अभी मैंने मास्क वगैरह पहन लिया क्योंकि यहाँ भी बहुत तेज़ धूप है, जिस तरह पर्दे के थ्रू अब मेरे ऊपर जो धूप पड़ी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है। तो अगर इस तरह जाऊँगी तो फिर स्किन ख़राब हो जाएगी, सन बर्न हो जाएगा। तो सन ब्लॉक भी लगा लिया मैंने, उसके अलावा भी मुझे थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि जिस रूम में मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ पर भी मैंने AC नहीं चलाया। और अभी बस मैं ये मास्क पहन लूँगी ताकि थोड़ा फेस बच जाए, और फिर अभी बस जाती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ ना लेने। तो ये अब मैं जा रही हूँ, हाँ जी मामा ले ली इधर ना। एक बहुत अच्छी बात है, ये जो बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, मतलब हमारी बिल्डिंग में है, सबकी बिल्डिंग्स का मुझे नहीं पता, बट इस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो चल 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 के वो इंसान फिट रहता है। भाई ये गाजी आ गया है, यहाँ पर वीकेंड पर बहुत रश होता है, पाकिस्तानी सारे भरे होते हैं, और पाकिस्तानी इंडियन वीकेंड पर होता है, नॉर्मल डेज में रश नहीं होता। और ये क्रेजी चिकन इधर नया खुला है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, और आई थिंक सबको इंटरेस्ट होगा भी नहीं, जो इधर रह के गए हैं उनको इंटरेस्ट होगा। और ये आप लोगों को जैसे मेरा शेडो नज़र आ रहा है ना, बहुत तेज़ धूप है, तो मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था ये मास्क पहनने का। अच्छा ऐसे चलो, कल मेरे भाइयों ने आ जाना इंशाल्लाह, तो फिर वो आके ना ये काम हो जाएंगे एम एस सुहेब दोनों के, आई मैं कर लेती हूँ। ये चलते चलते पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल आ गया। आई नो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्कूल देखने में, क्योंकि वो यहाँ से होके गए होते हैं तो इस तरफ ही क्रॉस हो जाते हैं। ये स्कूल की बसेस हैं, क्योंकि सब कुछ बदल जाना है, मगर स्कूल का जो ये पेंट है ना ब्लू वाला, ये नहीं बदलना, ये ऐसे ही रहना है। मतलब तो वो रीटच करते रहते हैं, बट फिर भी एक ही स्टाइल है, अभी भी अंदर जाओ तो एक जैसा ही है। स्कूल के सामने ये मिठाइयों की दुकानें, और इस तरफ से हम टर्न करेंगे। बॉयज साइड जिनकी, मतलब जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, देख लें अपनी यादें ताज़ा कर लें। और ये सारा जो गर्ल्स सेक्शन है, और मैंने कहा मैं निकल ही रही हूँ, मैं जा ही रही हूँ, तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि थोड़ा कंटेंट हो जाए। वैसे मैं बाहर जा रही थी बट थोड़ी सुस्ती हुई हुई थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन रही थी। बाकी ये नान वाली शॉप, ये तो खुबर में रहने वालों को सबको ही पता होगा, वहाँ जाना है मैंने, तो लेट्स क्रॉस द रोड। अब आई डोंट नो, ऐसा ना हो या कोई ऐसा फाइन हो कि सड़क पर चलते हुए आप वीडियो नहीं बना सकते। शीरी महल, तो ये नान मैंने ले ली है, ठीक है, फ़ौरन मिल गए, और अब मैं यहाँ से घर की ज़रा वापस, थोड़ा टाइम नहीं लगा वैसे, मतलब यहाँ आते हुए 5 मिनट ही लगे हैं, तो अब बस वापसी का। ये होता था छोटा गेट, नहीं नहीं वो तो पीछे की बैक साइड पे था, ये भी कोई गेट होता था कॉलेज साइड पे निकलने के लिए। फिर यहाँ सारे सबके अंकल वगैरह बाबा वगैरह सब जमा होते थे, तो अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, बट पहले ऐसा ही होता था। अभी भी जाहिर बच्चे आते जाते होंगे, नहीं नहीं बल्कि सॉरी ये गेट था कॉलेज साइड से निकलने का, अभी इसको भी लोहे का बना दिया, जैसे लॉकर का गेट होता है ना बिल्कुल ऐसे। चलो भाई, मुझे इतना शदीद मतलब गर्मी लग रही है ना कि मेरी मुझे पसीना आ गया मास्क के नीचे, तो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी ना 40 डिग्री टेम्परेचर है और फील्स लाइक 42-43 इस तरह से है। मगर फिर भी ये चीज़ मैं एग्री करती हूँ कि लाहौर में ज़्यादा गर्मी होती है, लाहौर में या पाकिस्तान में पूरे ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। ये आ गया वो वाला स्पॉट जहाँ पे स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग वेट किया करते थे सारे बहन भाई यहाँ पे इस पोल के पास। अरे बहुत गर्मी है यहाँ पे, एकदम सूरज
घर जाने वाली हूँ। और अगर आप लोग खूबे के और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। खाना जिसके भी पका है इसकी वजह से मैं नाम लेने गई थी, थोड़ी शक्ल निकलेगी। अच्छा तो ये मैं घर वापस आ गई हूँ और बस मैं अबाया वगैरह उतार के खाना खाती हूँ और आप लोगों को मेरी शक्ल पे जो शाइन आई है ना वो नजर आ रहा है कि सारा सनब्लॉक पिघल गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट कोई बात नहीं, कल से भाई ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। तो अभी बस मैं खाना खाती हूँ और ये आज का थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग था। तो अगर आप लोग खूबर की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। और अगर अभी कमेंट्स नहीं भी आते हैं तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल ग्रो, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर दैट एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।